कर रही है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं, बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गए रूस के साथ, दोनों में भी, दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। तो सर फिर फ्यूचर क्या है, सर फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया, और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना के माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। पाकिस्तान की मीडिया इस बात से हैरान है कि कैसे आपस में दुश्मन समझे जाने वाले अमेरिका और रूस दोनों ने भारत के साथ रक्षा करार भी किया है और आगे और संबंधों को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मित्र कहे जाने वाले, यहां तक कि चीन भी पाकिस्तान से दूर होते चला जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश नीति की नाकामयाबी और भारत के कामयाबी की गौरव गाथा आइए सुनते हैं पाक मीडिया से। बात करनी है कि रूस और अमरीका दोनों मुखालफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं, दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसिस को यूज कर सकते हैं, और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट हैं अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गए रूस के साथ, दोनों में भी, दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसिस इस्तेमाल कर तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया, और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना के माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है, डिप्लोमेसी का उनको पता ही। आपकी फॉरेन पॉलिसी ही नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे, आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी मुझे, मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े, ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी? आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। सर ये तो हमेशा से रही है सर, पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा, इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे बैसियों का मकसद ही कोई नहीं मेरे ख्याल में, तो इनपे फजूल खर्चा हो रहा है, क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताए, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये कि ये बैसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे भतीजे भाजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए, वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते, पता होता है तुम सिफारिश पे आए हैं हमें कौन हाथ लगा सकता है, वो 11-12 बजे आते हैं सिगरेट पीते हैं चाय पीते हैं घर चले जाते हैं, वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो फिर फ्यूचर क्या है सर, फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे कड़ी हो गई है, और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगर जिस सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको
चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे जो आईएमएफ के मामलात है, एफएटीएफ के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पर पाकिस्तान अमरीका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमरीका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रैलस, रैलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट यह है कि भारत रूस की जो बेसिस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसिस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का लिमुआ, लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं, एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। ये 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं चीजों को उनको पता है कॉमकासा, ये 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी, ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। दुनिया में संबंध चाहे दो देशों के बीच हो या दो व्यक्तियों के बीच हो, परस्पर लेन देन या आदान प्रदान के आधार पर बनते हैं। इनमें प्रतिष्ठा भी होती है और यह टिकाऊ भी होते हैं, क्योंकि एक देश या दूसरे देश पर या एक व्यक्ति दूसरे देश पर कुछ न कुछ कारणों से आधारित होता है। पाकिस्तान जिन देशों से संबंध बनाता है उन देशों से केवल लेता है, चाहे वह कर्ज ले या फिर भीख, जिसे पाकिस्तान में अनुदान कहा जाता है। वैसे भी पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं, जो केवल लेता है और उसके आधार पर वह संबंध बनाना चाहता है, तो उन संबंधों में न तो इज्जत होती है और फिर न वे संबंध टिकाऊ होते हैं। एक जमाने में अमेरिका का पाकिस्तान दोस्त बना था, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत संघ से पहले लड़ना था और फिर बाद में तालिबानियों से लड़ना था। चूंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा सटती है, इसलिए पाकिस्तान का अमेरिका दोस्त बना था और फिर उसके बदले पाकिस्तान को वह पैसा भी देता था। लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका अमेरिका के लिए कोई जरूरी नहीं रह गई, तो फिर दोस्ती में दरार आने लगी और अमेरिका आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया। दूसरी तरफ चीन को भारत के विरोध में किसी एक देश की जरूरत थी और उसके लिए उसने पाकिस्तान को चुना, और दूसरा सीपैक परियोजना के लिए चीन को किसी ऐसे देश की जरूरत थी जिससे चीन का सामान उस सड़क मार्ग से ग्वादर पोर्ट तक आए, और इसके लिए पाकिस्तान सबसे उपयुक्त था, क्योंकि चीन से सामान निकलकर पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक आता, फिर ग्वादर पोर्ट से चीन का सामान विभिन्न देशों की ओर जाता, क्योंकि चीन को यह डर था कि साउथ चाइना सी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान मिलकर क्वाड बनाए हैं, वे कभी उसका रास्ता रोक सकते हैं, जो चीन का रियल रास्ता था कि चीन का सामान साउथ चाइना सी से 70% दूसरे देशों को जाता था। चूंकि वहां उसको डर था कि वहां पर क्वाड रोक सकता है, इसलिए चीन ने वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रखा था, और वह वैकल्पिक रास्ता सीपैक की परियोजना थी जो पाकिस्तान होकर ग्वादर पोर्ट और फिर समुद्र के रास्ते दूसरे देशों को जाता। लेकिन पाकिस्तान इसमें भी अब मददगार साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि सीपैक परियोजना चलाए या न चलाए पाकिस्तान इसी दुविधा में है, चीन के संबंध बनाए रखे या फिर अमेरिका के साथ जाए, इसके लिए भी पाकिस्तान को दुविधा बनी हुई है। इस कारण अब चीन भी दूर होते जा रहा है। तो अगर आप देखें सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें तो पाकिस्तान की भूमिका एक लोकल गुंडे की तरह है कि केवल उसको लड़ाई के लिए दूसरे देश उसका उपयोग करते हैं, और फिर लड़ाई खत्म तो फिर उस लोकल गुंडे की भूमिका खत्म। जहां तक भारत का सवाल है, चाहे वह रूस के साथ संबंध हो या फिर अमेरिका के साथ संबंध हो या फिर किसी अन्य देश के साथ संबंध हो, वह बराबरी के आधार पर, लेन देन के आधार पर बनते हैं, और इन संबंधों से भारत को प्रतिष्ठा भी मिलती है, फायदा भी होता है और ये टिकाऊ भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।